मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। मेरा जीवन तीन गुरुओं और तीन उपास्य दैवतों से बना है। मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरु बुद्ध हैं, मेरे दूसरे गुरु कबीर हैं और तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। मेरे तीन उपास्य दैवत भी हैं। मेरा पहला दैवत विद्या, दूसरा दैवत स्वाभिमान और तीसरा दैवत शील नैतिकता है। मैं कभी भी भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि भेदभाव नहीं देखना चाहता। मैं पहले भारतीय, फिर हिंदू या मुस्लिम के सिद्धांत से भी सहमत नहीं हूँ। सभी पहले भारतीय, अंतिम भारतीय, भारतीय के परे कुछ नहीं, यही भूमिका लेनी चाहिए। अगला जन्म में हमारा कल्याण होगा। इस खोखले अफवाहों में विश्वास करने के बजाय हमें इस जन्म में और इसी काल में अपनी प्रगति करनी चाहिए, साथ ही मानव समाज में समानता के अपने मानक स्थापित करने चाहिए और हिंदू समाज को अस्पृश्यता के पाप से मुक्त करना चाहिए। शंकराचार्य के दर्शन के कारण हिंदू समाज व्यवस्था में जाति संस्था और विषमता के बीज बोए गए। मैं इसे नकारता हूँ। मेरा सामाजिक दर्शन केवल तीन शब्दों में रखा जा सकता है। ये शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुभाव। मैंने इस शब्दों को फ्रेंच राज्य क्रांति से उधार नहीं लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, राजनीति में नहीं। मेरे गुरु भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व से मुझे ये तीन मूल्य मिले हैं। विज्ञान और धर्म दो अलग चीजें हैं। कोई चीज विज्ञान का सिद्धांत है या धर्म की शिक्षा है, इसका विचार किया जाना चाहिए। धार्मिक संघर्ष मूर्खता का बाजार है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। छुआछूत की प्रचलित गुलामी दुनिया की अन्य सभी गुलामी से भी ज्यादा भयानक और भीषण है। ये सिर्फ हिंदू समाज या हिंदू धर्म के चेहरे पर काला कलंक नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव धर्म और मानवता के लिए कलंक है। चूंकि हम हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हमें हिंदुओं के हर धार्मिक संस्थान में और मंदिर में प्रवेश करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है।